नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइज, कैसे हो? पहचान मुझे, मैं हूँ आपका फ्रेंड प्रसाद और स्वागत करता हूँ आपके मेरे चैनल पे जिसका नाम है पीएम गुरु। सो गाइज, पिछले वीडियो में हमने बात कर रखी है कि व्हाट इज फ्रेंड फंक्शन, तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि व्हाट इज मेंबर फ्रेंड फंक्शन, मतलब कि एक क्लास के मेंबर फंक्शन की मदद से आप कैसे दूसरे क्लास के प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर पाते हो। तो ये हम देखने वाले इस वीडियो में विथ एग्जाम्पल। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, अब हम आ चुके हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो मैं यहाँ पे नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ, क्या दूँ, मेंबर फ्रेंड डॉट cpp। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो चीज़ें हेडर फाइल वगैरह वो डाल देता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। सो गाइस, मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें डाल दिए। तो देखो गाइस, पिछले वीडियो में हमने बात की थी फ्रेंड फंक्शन के बारे में। तो फ्रेंड फंक्शन क्या है? फ्रेंड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो आपके क्लास का मेंबर नहीं होता बट फिर भी उसे आपके क्लास के प्राइवेट डेटा का एक्सेस होता है। ओके, तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसी क्लास को कॉपी कर लेता हूँ। अब तक आपको पता चल गया होगा कि मैं काफ़ी आलसी हूँ तो मैं हर बार कोड नहीं लिखता। ओके, तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सिर्फ मैं यहाँ पे क्लास का नाम चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे डालता हूँ क्लास का नाम नंबर्स। ओके, तो नंबर्स एक क्लास है जिसके अंदर ए और बी दो वेरिएबल्स है जो प्राइवेट है। उसके बाद सेट डेटा नाम का एक फंक्शन है जो ए और बी की वैल्यूज को सेट करेगा। उसके बाद गेट डेटा नाम का एक फंक्शन है जो ए और बी की वैल्यूज को डिस्प्ले करेगा, देखा आउटपुट स्क्रीन पे। तो मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को अभी के लिए कट कर देता हूँ। ओके, तो आप क्या करते हैं, इसके बाद इस क्लास के लिए दो ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, क्लास कीवर्ड, उसके बाद क्लास का नाम जो है नंबर्स, उसके बाद एक्स, मतलब कि एक्स नाम का एक ऑब्जेक्ट बन चुका है, उसके बाद क्लास, उसके बाद नंबर्स और y, मतलब कि x एंड y दो ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुके। तो मैं क्या करता हूँ, x एंड y के लिए सेट डेटा और गेट डेटा को कॉल लगाता हूँ। x डॉट सेट डेटा, उसके बाद इन ब्रैकेट में डालता हूँ 10, 20, उसके बाद x डॉट गेट डेटा, ये क्या करेगा, a और b की वैल्यूज को डिस्प्ले कर देगा x के लिए। ओके, उसके बाद y डॉट सेट डेटा, ओके, इसके अंदर मैं डालता हूँ 30, 40। ओके, उसके बाद y डॉट गेट डेटा, ये एक फंक्शन क्या करेगा, a और b की जो वैल्यूज है y के लिए उसको डिस्प्ले कर देगा आउटपुट स्क्रीन पे। सिंपल। तो अब प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं और अब रन कर लेते हैं। तो देखो, वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर 10 और 20, ये है एक्स के लिए। वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर 30 और 40, ये है ऑब्जेक्ट वाई के लिए। ओके, सिंपल है ना। यहाँ पे एक क्लास है जिसका नाम है नंबर्स। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, मेंबर फ्रेंड फंक्शन बनाना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक और क्लास यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ, क्लास कीवर्ड, उसके बाद क्लास का नाम मैं डालता हूँ एडिशन। ओके, यार सिंपल रखते, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ओके, क्लास का नाम है ऐड, उसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाऊँगा, वो पब्लिक फंक्शन बनाऊँगा। ओके, जिसके अंदर क्या होगा, मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू एड नहीं करना चाहता तो void, उसके बाद फंक्शन का नाम मैं डालता हूँ सम ऑफ नंबर्स। मतलब कि ये फंक्शन क्या करेगा, x का a एंड y का a, इन दोनों की एडिशन करेगा। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर दो ऑब्जेक्ट्स डालता हूँ क्योंकि ये एक फ्रेंड फंक्शन होने वाला है। ओके, तो यहाँ पे मैं नंबर्स कॉमा ओवन करता हूँ और उसके बाद नंबर्स ऑटो करता हूँ। ओके, उसके बाद आप क्या करते हैं, इस वाले फंक्शन को जो है वो डिफाइन करते हैं। डिफाइन क्या करना है, सिंपल है, सी आउट कर दो, द एडिशन ऑफ ए फॉर एक्स एंड वाई इज, उसके बाद सिंपली मैं करूँगा ओ वन डॉट ए प्लस ओ टू डॉट ए। मतलब कि क्या होगा, जब भी हम इस फंक्शन को कॉल लगाएंगे तब हम क्या करेंगे, दो ऑब्जेक्ट्स को पास करेंगे जो ऑब्जेक्ट्स होंगे नंबर्स क्लास के। ओके, वो होंगे एक्स एंड वाई। तो एक्स स्टोर हो जाएगा ओ वन में, वाई स्टोर हो जाएगा ओ टू में। ऐसा करके क्या होगा, एक्स का जो प्राइवेट डाटा है वो ओ टू की मदद से मैं एक्सेस कर पाऊँगा और y का जो प्राइवेट डेटा है वो मैं ओ टू की मदद से एक्सेस कर पाऊंगा। तो ओ वन डॉट ए मतलब कि x डॉट ए है एंड ओ टू डॉट ए मतलब कि y डॉट ए है, समझ रहे हो? तो मैं x और y के जो a वैल्यूज़ हैं उनको ऐड कर रहा हूँ।
सिंपल। ओके अब क्या करते हैं, प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं और रन कर लेते हैं। ऑब्वियस है कि ये मुझे एरर दिखाएगा क्योंकि मैंने इस वाले फंक्शन को अभी तक फ्रेंड फंक्शन नहीं बनाया। ओके तो अगर मुझे इस वाले फंक्शन को फ्रेंड फंक्शन बनाना है तो मैं कैसे करूँगा वो देखते हैं। इसको मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ। अब आएंगे हम आपके नंबर्स क्लास के अंदर। तो क्लास नंबर्स क्या कहेगा कंपाइलर से कि देखो भाई ऐड नाम का एक क्लास है जिसके अंदर सम ऑफ नंबर्स नाम का एक फंक्शन है जिसको मेरे प्राइवेट डेटा का एक्सेस दे दो। वो हम कैसे करेंगे, फ्रेंड कीवर्ड उसके बाद रिटर्न टाइप जो है void, उसके बाद क्लास का नाम जो है ऐड, ओके उसके बाद स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, उसके बाद फंक्शन का नाम जो है सम ऑफ नंबर्स, ओके उसके बाद इन ब्रैकेट मैं क्या करता हूँ वो जो मैंने अभी कॉपी किया था वो डाल देता हूँ, मतलब कि ऑब्जेक्ट्स में इसके अंदर डाल देता हूँ, उसके बाद सेमीकोलन डाल देते। अब नंबर्स क्या कह रहा है कि भाई कंपाइलर देखो ऐड क्लास के अंदर जो सम ऑफ नंबर्स फंक्शन है इसको मेरे प्राइवेट डेटा का एक्सेस दे दो। ओके अब क्या करते हैं प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। उसके पहले क्या करते हैं इस क्लास का ना एक ऑब्जेक्ट तैयार कर लेते, ऐड नाम के क्लास का एक ऑब्जेक्ट तैयार कर लेते हैं ऐड, उसके बाद मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ सम नाम का। ओके उसके बाद सम डॉट सम ऑफ नंबर्स, मतलब कि अब मैं सम ऑफ नंबर्स को कॉल लगा रहा हूँ, वो मैं कॉल लगाऊंगा एक्स कॉमा वाई ऑब्जेक्ट के साथ। ओके समझ में आ रहा है। आप क्या करते हैं प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं और रन कर लेते। ओके तो देखो अभी भी ये मुझे एरर दिखा रहा है। अब ये एरर कैसे सॉल्व होगा ये ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि भाई इस वीडियो को इसके बाद बहुत ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके अगर आपने सही से नहीं देखा तो मुझे लगता है कि आपके सिर के ऊपर से निकल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ये जो क्लास है इसको कॉपी कर लेता हूँ। पहले तो यहाँ पे सेमीकोलन डाल देते ताकि ये एरर ना आए, तो इसको मैं क्या करता हूँ कॉपी कर लेता हूँ। ओके कॉपी नहीं कट कर लेता हूँ। ओके और मैं इसको ना नंबर्स क्लास के पहले डालता हूँ। ओके तो यहाँ पे क्या होगा देखो कंपाइलर शुरुआत से जो है वो एग्जीक्यूशन करना शुरू कर देगा। पहले हेडर फाइल, उसके बाद नेम स्पेस एसटीडी, उसके बाद वो आएगा क्लास ऐड के अंदर और वो देखेगा कि यहाँ पे एक फंक्शन है जो दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस कर रहा है। तो वो कहेगा कि भाई ठीक है तू ये एक्सेस कर रहा है बट इसका एक्सेस तेरे पास है, या फिर पहली बात कि ये नंबर्स नाम का कोई क्लास अवेलेबल भी है क्योंकि मैंने अभी तक तो देखा नहीं है, राइट। तो ऐड कहेगा कि भाई नहीं नीचे है आप जाके देख लो, बट कंपाइलर कहेगा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम्हें मुझे देना पड़ेगा, तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि नीचे नंबर्स जो क्लास है वो है। तो यहीं पे आता है फॉरवर्ड डिक्लेरेशन। हम क्या करेंगे यहाँ पे फॉरवर्ड डिक्लेयर कर देंगे हमारे क्लास नंबर्स को, फॉरवर्ड डिक्लेरेशन। ओके इसके बाद मैं क्या करूँगा क्लास नंबर्स को यहाँ पे जो है वो डिक्लेयर कर दूँगा। यहाँ पे सिर्फ हम क्लास नंबर्स को डिक्लेयर कर रहे हैं, डिफाइन नहीं कर रहे। ओके इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड डिक्लेरेशन। ओके दो उसके बाद क्या करेगा कि ऐड कहेगा कि भाई देखो मैंने बता दिया आपको कि नंबर्स नाम का जो क्लास है वो नीचे अवेलेबल है, तो इसको ना कंपाइल कर दो, इस फंक्शन को कंपाइल कर दो। कंपाइलर कहेगा ठीक है भाई मैं इसको कंपाइल कर देता हूँ, तो वो इसको कंपाइल कर देगा और इसके अंदर आएगा। तो यहाँ पे देखेगा कि भाई तुमने ए का यूज़ कर लिया है, तो ठीक है यार तूने बता दिया कि नंबर्स नाम का एक क्लास है, बट मैं कैसे मान लूँ कि नंबर्स क्लास के अंदर ए नाम का वेरिएबल है। तो इसके बाद ऐड क्लास का कहेगा कि भाई ठीक है मैं ये जो फंक्शन है उसको बाद में डिफाइन कर देता हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ इसे डिक्लेयर कर देता हूँ, तब तो चल जाएगा ना। तो कंपाइलर कहेगा कि ठीक है भाई तो यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सिर्फ डिक्लेयर कर देता हूँ। ओके तो अब कंपाइलर क्या करेगा कि इसको कंपाइल कर देगा। ओके अब ये जो फंक्शन है ये मुझे डिक्लेयर करना होगा क्लास नंबर्स के बाद में। ओके तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ डिक्लेयर कर देता हूँ। अगर मुझे आउटसाइड द क्लास फंक्शन को डिक्लेयर करना है वो मैं कैसे करूँगा, रिटर्न टाइप void, उसके बाद क्लास का नाम जो है ऐड, उसके बाद स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, उसके बाद फंक्शन का नाम जो है सम ऑफ नंबर्स। ओके उसके बाद इन ब्रैकेट आपके आर्गुमेंट्स डाल दो, यानी कि नंबर्स ओवन कॉमा नंबर्स
ओ टू। ओके, उसके बाद क्या करते हैं, अब यहाँ पे इसको डिफाइन कर देते। ओके, मैंने यहाँ पे डबल कर दिया क्या, ठीक है मैं उसको रफ कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे जो है ये फंक्शन बन चुका है, अब ये कोई भी एरर नहीं दिखाएगा। इसके बाद जब मैं प्रोग्राम को रन करूँगा तब क्या होगा, कंपाइलर पहले लाइन से जो है वो एग्जीक्यूशन शुरू करेगा। पहले तो आएगा, देखेगा कि नंबर्स नाम का एक क्लास मैंने डिक्लेयर कर दिया है, पहले डिक्लेयर कर दिया है। ओके, उसके बाद वो आएगा ऐड क्लास के अंदर, देखेगा कि यहाँ पे एक फंक्शन है जो शायद फ्रेंड फंक्शन हो सकता है, अभी तक उसे पता नहीं है कि फ्रेंड फंक्शन है या नहीं। ओके, उसके बाद कंपाइलर क्या करेगा कि इसको कर देगा कंपाइल। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ डिक्लेयर कराई, डिफाइन नहीं कराई, और उससे पहले मैंने क्लास नंबर्स को यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है, तो ये इस लाइन को कंपाइल कर देगा। उसके बाद आएगा एक क्लास नंबर्स के अंदर और देखेगा कि ए और बी वेरिएबल्स है जो प्राइवेट है। उसके बाद ये पूरा का पूरा फंक्शन वो पूरा का पूरा क्लास वो एग्जीक्यूट करेगा। उसके बीच में वो देखेगा कि ओके, यहाँ पे सम ऑफ नंबर्स जो फंक्शन है जो मैंने ऊपर देखा था वो फ्रेंड बन चुका है इस नंबर्स क्लास का। ओके, तो कोई बात नहीं, ये जो सम ऑफ नंबर्स है ये नंबर्स के प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर पाएगा। उसके बाद क्या होगा, कंपाइलर आएगा क्लास नंबर्स के अंदर, तो वह यहाँ पे जो है वो नीचे नीचे आएगा, एग्जीक्यूट करते 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 नीचे आएगा और देखेगा कि ओके, यहाँ पे इसने सम ऑफ नंबर्स को फ्रेंड फंक्शन दे दिया है। मतलब कि क्लास नंबर्स कहता है कि कंपाइलर जी ये देखो सम ऑफ नंबर्स ना ऐड क्लास का मेरा फ्रेंड है, तो इसको मेरे प्राइवेट डेटा का एक्सेस दे दो। ओके, तो इसके बाद क्या होगा, कंपाइलर नीचे आएगा और देखेगा कि ओके, ये रहा सम ऑफ नंबर्स का डेफिनेशन। तो अब क्या होगा, कंपाइलर इससे कंपाइल कर देगा और रन करा देगा। ओके, तो मुझे यहाँ पे यू स्मॉल करना चाहिए था यार, मैंने अभी देखा। तो अब क्या करते हैं, प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं और देखते रन करके कि कोई एरर तो नहीं आ रहा। ओके, देखो द एडिशन ऑफ ए फॉर एक्स एंड वाई इज 40, देखते हैं या नहीं। एक्स के लिए ए जो है वो है 10 एंड वाई के लिए ए जो है वो है 30, तो 10 प्लस 30 इज 40। ओके, सिंपल है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और लाइन ऐड करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, सी आउट, उसके बाद डाल देता हूँ द एडिशन ऑफ बी फॉर एक्स एंड वाई इज, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ओवन डॉट बी प्लस ओ टू डॉट बी, उसके बाद डाल देते हैं सेमीकोलन। तो क्या ये रन होगा वो देखते हैं। आप क्या करते हैं, प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं और रन कर लेते हैं। तो सिंपल, द एडिशन ऑफ बी फॉर एक्स एंड वाई इज 60। अब ये 20 एंड 40 60। ओके, सिंपल है ना, एडिशन हो रही है बी की एक्स एंड वाई के लिए। ओके ओके, तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। तो देखो, अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक और फंक्शन डिक्लेयर कर दूँ जो फ्रेंड फंक्शन है, तो क्या मैं कर पाऊँगा, बिल्कुल। तो मैं इसके बाद अगर करना चाहता हूँ void multiplication, मतलब कि यहाँ पे मैं मल्टी डालता हूँ, मल्टी नंबर्स। ओके, उसके बाद मैं ब्रैकेट्स में डाल देता हूँ नंबर्स कॉमा अगेन नंबर्स। ओके, मैंने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ इस वाले फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया। ओके, तो मुझे क्या करना होगा, इसको पहले फ्रेंड फंक्शन बनाना होगा, वो मैं कैसे बनाऊँगा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं क्या करता हूँ, इस नंबर्स क्लास के अंदर आता हूँ और यहाँ पे एक और फ्रेंड फंक्शन बना लेते हैं। ओके, तो पहले फ्रेंड कीवर्ड, ओके, उसके बाद void, उसके बाद क्लास का नाम जो है ऐड, ओके, उसके बाद स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एंड फंक्शन का नाम जो मैंने पहले ही डाल रखा है। ओके, उसके बाद मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स मतलब कि ओवन और ओटू डालना पड़ेगा। ओके, तो अब मैंने क्या कर दिया, ऐड नाम के क्लास में एक और फंक्शन डिक्लेयर कर दिया जो क्या करता है, दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करता है, मतलब कि एक्स के ए की एंड वाई के ए की वो मल्टीप्लिकेशन करता है। ओके, तो मैंने यहाँ पे इसे डिक्लेयर कर दिया और नंबर्स क्लास के अंदर मैंने इसको फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर कर दिया। ओके, अब क्या करते हैं, इस वाले फंक्शन को डिफाइन कर दे कि मैं क्या करता हूँ, इसी लाइन को जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। ओके, और इसके बाद पेस्ट कर देते, सिर्फ मैं यहाँ पे क्या करता हूँ और नाम चेंज कर देता हूँ मल्टी। ओके, मल्टी नंबर्स डालता हूँ क्योंकि मैंने मल्टी नंबर्स डाला था, मल्टी नंबर्स। उसके बाद
एडिशन नहीं, मुझे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ मल्टीप्लिकेशन। ओके, मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लिकेशन की स्पेलिंग मैंने गलत डाल दी, तो मैं यहाँ पे भी वही डालता हूँ मल्टीप्लिकेशन। ओके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फॉर एक्स एंड वाई इज, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ स्टार, यानी कि मल्टीप्लाई का सिंबल। ओके, उसके बाद यहाँ पे भी मैं चेंज कर देता हूँ। ओके, अब क्या करते हैं, इस वाले फंक्शन को कॉल लगाते हैं कि सम के लिए, तो सम डॉट मल्टी नंबर्स, उसके बाद एक्स कॉमा वाई। अब ये क्या करेगा, एक्स के लिए ए एंड वाई के लिए ए जो दो वैल्यूज है उनके मल्टीप्लिकेशन को डिस्प्ले कर देगा। उसके बाद ये फंक्शन क्या करेगा, एक्स का भी एंड वाई का भी इनकी मल्टीप्लिकेशन कर देगा। ओके, प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं और रन कर लेते हैं। ओके यार, मुझे यहाँ पे ना एंडल डालना चाहिए था, मैं क्या कर रहा हूँ मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एंडल डाल देता हूँ ताकि जो है आपको समझ में आ जाए, एंड एल। ओके, तो इसके अंदर आते हैं, यहाँ पे भी मैं डाल देता हूँ एंडल, यहाँ पे भी मैं डाल देता हूँ एंडल। ओके, अब क्या करते हैं, प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं और अब रन कर लेते हैं। अब देखो, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए एन एक्स इज 300 एंड द मल्टीप्लीकेशन ऑफ बी फॉर एक्स एन वाई इज 800 लिख के आ चुके हैं। बहुत आसानी से मैंने सब किया है। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, क्लास एड नाम का एक क्लास बना दिया जिसके अंदर दो फंक्शन बना दिए जो नंबर्स क्लास के फ्रेंड है। ओके, तो वही समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, यहाँ पे हम एक क्लास के मेंबर फंक्शन की मदद से दूसरे क्लास के प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर रहे हैं। ओके, वो हम कर रहे हैं फ्रेंड मेंबर फंक्शन की मदद से। ओके, तो अगले वीडियो में हम बात करने वाले कि फ्रेंड क्लास क्या है। तो अगर आपको कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, मैं उसका आंसर देने की कोशिश जरूर करूंगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, अगर ये वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर देना यार, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो ताकि आने वाले हर वीडियो के अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंचे। सो अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज फ्रेंड क्लास। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।